नमस्कार, मैं हूं अनंत कुमार। आप देख रहे हैं बेरमो की साप्ताहिक डायरी। इस सप्ताह पिछले दो दिन से लगातार बारिश होने के कारण बेरमो अनुमंडल के चतुरचट्टी थाना क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से बन रही इंटकवेल बह गई। ग्रामीण इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उन्हें जो पेयजल की सुविधा मिलने वाली थी वह अब संकट फिर से एक बार बरकरार है। गोमिया और तेनुघाट के लोगों के लिए एक निराशाजनक खबर है। सरकार पिछले दिनों दोनों ही अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाली थी। टेंडर के अनुसार कंपनी ऑक्सीजन प्लांट लेकर अस्पताल पहुंच भी गई थी, लेकिन जिला प्रशासन की ओर निविदा को रद्द कर देने के कारण ऑक्सीजन लगने की जो योजना थी वह रद्द हो गई है और यहाँ के लोगों को काफी निराशा हुई है। गोमिया थाना क्षेत्र के तुलपुल निवासी स्वर्गीय राजू तूरी के दो बेटों को सांप काट लिया था, जिसमें एक बेटे की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर है। उसे रांची के रिम्स अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। पिछले महीना महुआटार थाना क्षेत्र के कंडेर में एक मोबाइल दुकान में चोरी होने के कारण महुआटार पुलिस ने दो बदमाशों को हजारीबाग जिला के चरही से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारों के साथ चोरी गई लाखों रुपए के सामान भी बरामद किए गए। बेरमो अनुमंडल के बोकारो थर्मल और जरंगी के बीच जंगलों के राजा बाघ देखने से सनसनी फैल गई, लेकिन वहीं प्रशासन आम नागरिकों को एहतियात बरतने का सलाह दिया है। आरा के झिरकी निवासी दिनेश यादव जब अपने खेत पे काम कर रहा था तब 33,000 वोल्ट के बिजली के तार गिर जाने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस बात की जानकारी जब ग्रामीणों को हुई तो उनके परिजनों के साथ डीबीसी अस्पताल पर शव को रखे रखा और मुआवजे की मांग की। पूर्णिया और ललपनिया सड़क मार्ग पर साड़म निवासी का मोटरसाइकिल से दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। इस दुर्घटना में तीन लोग घायल हुए थे, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। ग्रामीणों द्वारा जब इसकी सूचना गोमिया अस्पताल को और पुलिस को दी गई तो वे मौके पर पहुंचे और सभी को अस्पताल लाया। चिकित्सकों ने जांच के बाद साड़म निवासी की महिला को मृत घोषित कर दिया। स्वांग गोबिंदपुर परियोजना में कार्यरत हीरामन महतो पिछले दिनों अपने क्वार्टर में ही फंदे पे झूलता हुआ मिला। मौके पर गोमिया पुलिस पहुंची और मामले की तफ्तीश कर रही है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।